आज देश के शीर्ष पदों पर उत्तराखंडी काबिज हैं, जिसमें सेना के प्रमुख बिपिन रावत भी शामिल हैं। वो लगातार उत्तराखंड की समस्याओं की बात भी करते रहते हैं। बिपिन रावत का पहाड़ों से खासा लगाव भी है। इसी के चलते वो अपने पैतृक गांव वीरमोली के उपग्राम सैण पहुंचे। उनका गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है। जनरल रावत पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़कर अपने पैतृक गांव पहुंचे। हालांकि वो हेलीकॉप्टर से भी गांव पहुंच सकते थे, लेकिन वो लैंसडाउन में हेलीकॉप्टर से उतरकर पहले कार और फिर पैदल गांव तक पहुंचे। जनरल रावत ने करीब 2.5 घंटे परिजनों के साथ बिताए। उन्होंने गांव के लोगों का हालचाल भी जाना। आपको बता दें कि सैणा गांव पौड़ी जिले के द्वारीखाल विकास खंड में पड़ता है। थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद रविवार को पहली बार गांव पहुंचे जनरल बिपिन रावत के कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था। पूरे क्षेत्र में सेना पुलिस, इंटेलिजेंस, सिविल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे। बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ अपने गांव पहुंचे थे। इसके बाद गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। उनके गांव पहुंचने की सूचना पर लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। यहां उनके स्वागत के लिए चाचा भरत सिंह रावत और हरिनंदन समेत पूरा गाँव उमड़ पड़ा। उन्होंने गाँव को सड़क से जोड़ने और अन्य समस्याओं के बारे में शासन प्रशासन से बात करने का भरोसा दिलाया। जनरल रावत काफी देर तक गांव में पैदल घूमे और बचपन की यादें ताजा की। वो ग्रामीणों से मिले और उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। लोगों ने रावत को बताया कि जंगली जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें खेती करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे आज गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। इस पर जनरल रावत ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए रोजगार देने वाली योजनाओं को गाँव में लाना होगा। सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का पहाड़ और गाँव के प्रति प्रेम देखकर नेताओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। नेता एक बार चुनाव लड़कर दोबारा पहाड़ की तरफ नहीं देखते हैं। संवाद 365 के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।